हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ ऐसे तीन लोगों की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिनको कि कमर दर्द में डिस्क बल्ज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन बोला गया था और वो लोग अब बहुत अच्छे, बहुत रिकवरी कर चुके हैं। और उनमें से एक की एज जो है वो आंटी की एज है 65 से ऊपर है, ठीक है, और एक की एज 20 के आसपास है, 22-23 के आसपास है मेरे ख्याल से। तो ये दोनों मेरे साथ लगभग 7-8 महीने से जुड़ी हुई हैं और बातचीत होती रहती है हमारी। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर लेते हैं। और एक जिनका मैं आपसे शेयर करूंगी वो है कैलाश जीवानी जी, जिनका मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था एक्सपीरियंस। तो मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ जिससे जो लोग बहुत डीमोटिवेटेड है ना, जो लोग कॉल करते हैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हैं, बहुत परेशान हैं इस चीज से कि कैसे निकलें। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती है ना, और कुछ लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि इतना सारा परहेज ये हम नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हैं, देखिए मैंने भी किया था तो मैंने कोई मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने इसलिए किया था। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके सामने मिल रहा है, आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कर सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हर तरफ से नाउम्मीदी हो जाती है ना, लेकिन वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आज जिनकी स्टोरी सबसे पहले शेयर कर रही हूँ वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है द्विमाली बासुमात्री, जो आसाम की रहने वाली हैं। जब उन्होंने मुझसे बात की थी लगभग 8-9 महीने पहले की बात है, उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी मेरी शादी होने वाली थी पर इस तकलीफ की वजह से मेरी शादी टल गई है। और क्योंकि दर्द इतना था, तकलीफ इतनी थी तो वो क्या करती। तो मैंने उनसे वही चीजें शेयर की जो मैंने की थी। मैंने कहा उन्हें ये करना है, ऐसा करना है, ऐसे नहीं करना है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ और मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ जो मैंने किया था। तो उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया है, ठीक है। वहां पे आसाम में चावल तीनों टाइम खाते हैं, वहां रोटी का मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो उन्होंने उस चीज को भी फॉलो किया। देखिए वहां पे मुश्किल है, जिनका दिनचर्या में सिर्फ चावल ही चावल खाने हैं, बचपन से खा रहे हैं, वो एकदम से रोटी पे आ जाएं, चावल छोड़ दें, लेकिन उन्होंने वो भी किया और उसका नतीजा भी मिला उन्हें। मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब फाइनली उनकी शादी हो गई है। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, जब मैंने उनकी पिक्स देखी तो ऑफकोर्स मैंने उन्हें मैसेज किया। मुझे खुशी है इस चीज की, क्योंकि देखिए एक नाउम्मीदी से उम्मीद की डोर थाम के अगर इंसान चल रहा है और उसे उसमें कामयाबी मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उनके लिए मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी YT फैमिली, मेरी YouTube फैमिली की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ कि समझ जाएं कि ये तकलीफ ऐसी है जिसमें हम अगर अपना ख्याल रखते हैं तो फिर कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो सकती है। तो मैं उनकी पिक्स भी आपसे शेयर कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तो थी बासुमात्री की स्टोरी। अब मैं आप लोगों से जिनका शेयर करने वाली हूँ वो आंटी जो है वो कर्नाटका की है और मुझे इंस्टाग्राम पर उनके बेटे ने ही मैसेज किया था और उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरी मदर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और क्या आप हेल्प कर सकती हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछा था। ऑफ कोर्स मैं जितना टाइम होता है मैं बताती हूँ। तो मैंने उनसे वो सब चीजें शेयर की जो कि जिनमें मेडिसिन के नाम वगैरह मैंने बता दिए थे और जो लेप है, जो मैंने एक लेप बता रखा है वो भी मैंने बताया था और ऑयल भी मैंने बता दिया था कि ये वाला ऑयल जो है आप बना लें घर पर और उसे आपको यूज करना है। अब कमाल की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आंटी की जो एज है वो 65 से ऊपर है ना, और उनके घर में मेड भी है, काम करने वाली है ना, बहू भी है, बच्चे हैं। लेकिन आंटी से मैंने बात की तो वो मुझे जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे घर में जो मेड है वो आती है, मालिश के लिए बुलाते थे हम उन्हें, पर मुझे उन डर लगता है कि मुझे इतनी मुश्किल से आराम आया है, कहीं कोई गलती ना हो जाए और उससे तकलीफ फिर ना बढ़ जाए। तो ऐसे में मैं खड़े होकर खुद से ही हाथ से मालिश करती हूँ और फिर सिकाई करती हूँ,
और जो लेप है वो भी मैं खड़े होकर लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अचरज हुआ। मुझे ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो अगर कोई चाहे और करना चाहे और उस चीज को हम ये कहें कि नामुमकिन है, जैसे मैं कहती हूँ कि अपने हाथ से मसाज नहीं होती है भाई, अपने हाथ से मसाज नहीं होती है, पर वो आंटी ने मुझे भी गलत साबित कर दिया है। वो खड़े होकर खुद से मसाज करके और फिर उसे सिकाई करती हैं, लेप खुद लगाती हैं और हर चीज का ध्यान रखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत ठीक हो गई हैं। और अभी रिसेंटली उनकी मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने पूछा कि अब काफी बेहतर हो गई हूँ तो मेडिसिन मैं हाफ कर देती हूँ। तो मुझे लगा कि जैसे मेरी हाफ हो गई थी जब मुझे 80-90% रिलीफ आ गया था, तो वो भी कर सकती हैं। तो इस सिलसिले में जब बात की तो मुझे उनका भी जानकर बहुत अच्छा लगा कि उन्हें अब इतना रिलीफ है कि वो अब बहुत अच्छी कंडीशन में है और अपना पूरा ध्यान रख रही है। तो मैं उनका, मुझे स्क्रीनशॉट तो नहीं मिला क्योंकि इतने लोगों से बात होती है इंस्टाग्राम पर तो कहाँ पे चला जाता है नहीं पता चलता, लेकिन मुझे ये बताना था कि जिन लोगों को ये लगता है कि अगर कोई नहीं होगा तो मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, उनके पास करने वाले हैं, लेकिन वो इस चीज से डरती हैं कि मुझे इतनी मुश्किल से जो रिलीफ आया है कहीं वो किसी एक की गलती से चला ना जाए। तो वो खुद से करती हैं और उन्हें रिलीफ भी आ रहा है, माशाल्लाह वो वॉक भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, जबकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी उनको। तो आप लोगों में से जिनको भी ये लगता है ना कि ये ठीक नहीं हो सकता है, ये कैसे ठीक होगा, तो सबसे पहले तो अपनी नाउम्मीदी को छोड़ें, ठीक है, अपने आप को ये उम्मीद दिलाएं कि जैसे मैं ठीक हो सकती हूँ, दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप भी हो सकते हैं। चाहे आपको कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, जरूरी नहीं कि यही तकलीफ हो, दूसरी बहुत सारी तकलीफें भी हो सकती हैं। तो अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव रखना है कि बस मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है और मुझे फिर से वही लाइफ चाहिए जो बचपन में हम जीते थे, जो हम भागते दौड़ते खेलते सारे काम भी करते थे। तो वो चीज अगर अपने मन में रखेंगे, अपने उन जो खास मोमेंट है जो आपने जिए हैं उन सब चीजों को याद करिए और हौसला करिए कि आप फिर से इस चीज से निकल आएंगे, तो यकीनन आप निकल आएंगे, ठीक है। कोशिश करिए, यकीनन उसमें कुछ चीजें मेरी बताई हुई हेल्प कर सकती हैं, वो आप देख लें। अगर उन चीजों से आपको फिर भी अगर कहीं से उस चीज में आपको रिलीफ नहीं आता है, तब भी आप ये चीज सोचकर मत बैठ जाइएगा कि हम ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज हमेशा मौजूद रहता है, बस हमें उस इलाज तक पहुंचना होता है। अपना ख्याल रखना है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को हम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह संभालें, हमसे कोई चूक ना हो जाए इस तकलीफ में। अपना ख्याल इसी तरह से रखना है कि आपको झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, नीचे नहीं झुकना है, नीचे बैठना नहीं है। कुछ चीजें हैं कुछ टाइम के लिए करनी है, खाने का परहेज भी कुछ ही टाइम के लिए करना होता है, जब तक आप इस दर्द से बाहर नहीं आ जाते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल धीरे 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 अपनी जिंदगी का जो नॉर्मल रूटीन काम था उसकी तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन भारी वजन उठाना या कोई झटका लगना उससे बचना चाहिए ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो जाए। अब मैं तीसरी स्टोरी जो शेयर करने वाली हूँ वो है कैलाश जीवानी जी की, जिनका मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी कि वो रिटायर्ड पर्सन है और उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन बोल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे और इंस्टाग्राम पे मुझसे बात की। मेडिसिन जो मैं ऑलरेडी मैंने बताया है कि मैंने यूज की थी, तो वो मैंने शेयर कर रखी है, तो उन्होंने वो वहां से ले ली और उन्होंने मुझसे बात की। मैंने जो परहेज थे वो मैंने उन्हें बताए, उन्होंने उन सारे परहेज को बहुत अच्छे से लिख कर अपने बेड के पास, अपने दरवाजों पे, अपने बाथरूम तक पे चिपका लिया। उन्होंने सब कुछ पहले शेयर किया था कि मैंने इस तरह से पूरा लिख लिया है कि कहीं भी मुझसे कोई चूक ना हो जाए। देखिए ये होती है भरोसे की बात, है ना, मैंने तो बताया है अपना एक्सपीरियंस, आपने उस चीज पर भरोसा किया है और आपने उस चीज को फॉलो किया है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज वो 99% ठीक हैं, वो लिख रहे हैं, मैं उनका आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने आगे क्या लिखा है। आप लोग देखें कि किस तरह से एक इंसान की जो जिंदगी है वो वापस से अपने ट्रैक पे आ जाती है। ये उनका मैसेज है जो कल ही मुझे मिला है और यहाँ पर वो बता रहे हैं, अभी कमर और पैर का दर्द 99% ठीक हो गया है, हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, स्टेप्स भी चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगे हैं, सिर्फ 1% दर्द है। और आगे लिखते हैं,
लेकिन 99% ठीक होने से अब चलने का बहुत ही प्यारा सा अनुभव आ रहा है। दिल खुशी से भर गया है। बगैर दर्द की ज़िंदगी कितनी प्यारी है, इसका एहसास हो रहा है। आप वीडियो बना के गाइड करते रहो और सारा जहां दर्द से छुटकारा पाए। और आपको बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी करे, आपके सारे ख्वाब सच हों। थैंक्स बिटिया, थैंक्स। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि किसी का सुकून, अगर किसी को सुकून आया है तो वो सुकून उसका कुछ हिस्सा मेरा भी तो है, वो सुकून मुझे भी तो मिल रहा है। तो मैं इन दुआओं के लिए आपके शुक्रगुजार हूँ। सब जो भी मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं, सब के लिए थैंक्स। आपकी दुआओं में बहुत ताकत है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि ये मत करिए वो मत करिए। किसी भी चीज़ के लिए किसी को एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और मेरे पास किसी चीज़ का अगर ठीक होने का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो बताती हूँ। बाकी आपकी इच्छा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन मौजूद है और आप उस चीज़ को करना चाहते हैं, पहले एक बार ट्राई कर ले किसी भी सीरियस कदम को उठाने से पहले, और उसमें अगर आपको कामयाबी मिलती है तो आपको सीरियस कदम उठाना ही नहीं पड़े, है ना। नहीं तो ऑप्शन अगर कोई नहीं रहा है तब तो आपको उस तरफ जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिकवरी करें तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करिए, अपनी दिनचर्या को दुरुस्त कीजिए, अपना जो लाइफस्टाइल है जो अब तक आपने जिया है उसे थोड़ा सा मेंटेन करिए। किसी तरह से जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यानी झुकने से, तो झुकना अवॉइड करिए, वजन उठाना अवॉइड करिए और चेयर से नीचे बैठना अवॉइड करिए। इन चीज़ों को करने के साथ कुछ और चीज़ें करनी हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ इंक्वायरी करनी है, किसी तरह से आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर बात कर लेती हूँ। तो आप देखिए कि दूसरे कैसे ठीक हो रहे हैं और आप अब तक कहाँ पर हैं। आप अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और परेशान हैं, कहाँ से शुरू करूँ, क्या नहीं करूँ, तो उसके लिए आप वीडियोस देखिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा अप्लाई करिए। अगर आपको रिलीफ मिलता है तो करते रहिए, बहुत जल्द आप इस तकलीफ से बाहर आ जाएंगे। ठीक होने के बाद भी वजन उठाने और भारी चीज़ों को उठाने से बचिए, आप झुकने से बचिए या किसी झटके को लगाने से बचिए, तो आप हमेशा ठीक रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज जिनकी स्टोरी मैंने सुनाई है तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल रही हूँ, आपको उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।